हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनाज के कुछ ऐसे मोमेंट लेकर आई हूँ जिसे देखकर आप जान पाएंगे कि सिद्धार्थ शहनाज से मिलने के बाद कितने बदल गए हैं। यहाँ पर देखिए, जब बिग बॉस में एंट्री की थी सिद्धार्थ ने और सलमान ने सिद्धार्थ से पूछा था कि वो किचन में क्या क्या काम कर लेते हैं, जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने बोला था, मुझे बस इतना पता है किचन बेडरूम से निकल कर राइट को आता है। वहीं जो दूसरी फोटो है वो बिग बॉस के बाद की है, जो कि आपने देखा ही होगा वीडियो, उसमें सिद्धार्थ किचन के सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पहली फोटो में देखिए, एक टास्क के दौरान सिद्धार्थ ने सलमान सर से कहा था कि अगर मैं राजा हूँ तो कोई वजीर मेरा तख्त नहीं बदल सकता। और ये दूसरी पिक है जो फिनाले की दिन की है, जहाँ पर रश्मि को हॉट कहने पर शहनाज उनसे झगड़ पड़ी थी और सिद्धार्थ सलमान के सामने भी रश्मि को हॉट नहीं बोल पाए। यहाँ पे पहली पिक है दोस्तों, जिसमें सिद्धार्थ का फेमस डायलॉग वे 1 2 3 4 5 6 वाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ किसी से रिश्ता बनाने नहीं आया हूँ। वहीं दूसरी पिक है, यहाँ पर सिद्धार्थ ने शहनाज से कहा था कि रिश्ता तेरे साथ है और लाइफ लॉन्ग रहेगा, रखना है तो रख। यहाँ पर ये पहली वाली पिक है जब सिद्धार्थ शहनाज की स्टार्टिंग में दोस्ती हुई थी और वो वापस पारस के पास चली गई थी, तो सिद्धार्थ ने शहनाज से कहा था, तेरे को लाइफ में एक बार पावर दी थी हर्ट करने के लिए, तूने वो यूज कर लिए है। वहीं जो दूसरी फोटो है उसमें वीकेंड के वार में सिद्धार्थ ने कहा था कि शहनाज को लगता है सिर्फ वो हर्ट होती है, हर्ट मैं भी होता हूँ, क्योंकि कई बार शहनाज के फ्लिप मारने पर सिद्धार्थ गुस्सा तो हो जाते थे लेकिन शहनाज के मनाने पर फिर से वो मान भी जाते थे। दोस्तों ये पहली फोटो है जिसमें आरती शहनाज की जगह पर आकर बैठ गई थी बेड पर, और शहनाज नाराज हो गई थी कि वो मेरी जगह पर क्यों बैठी, मेरे बेड पर क्यों बैठी, तो सिद्धार्थ ने कहा था बेड हमारा नहीं बिग बॉस का है। वहीं जब बाद में विशाल सिद्धार्थ की साइड पर लेट जाते हैं तो सिद्धार्थ गुस्सा हो जाते हैं और उस जगह तक पर नहीं लेटते हैं और कहते हैं यहाँ पर विशाल लेटा था, मैं इस साइड नहीं लेटूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि शहनाज से मिलने के बाद सिद्धार्थ कितना बदल गए हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।